दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि किसने और क्यों भारत की महान नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया। तो इस बारे में जानने के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर नालंदा यूनिवर्सिटी अगर अभी हमारे पास होती तो भारत इस दुनिया का सबसे मॉडर्न देश होता। और कहा जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी में टाइम मशीन, स्पेसशिप जैसे मॉडर्न मशीनों को बनाने की किताबें भी थीं। और इतना ही नहीं दोस्तों, नालंदा यूनिवर्सिटी में पूरे विश्व से 10,000 स्कॉलर्स आते थे। और यहाँ पे 7 सब्जेक्ट, वेदास, फाइन आर्ट्स, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, पॉलिटिक्स और आर्ट ऑफ वॉरफेयर पढ़ाया जाता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि नालंदा जैसी महान यूनिवर्सिटी को जलाकर राख कर दिया गया? तो चलिए चलते हैं 13वीं शताब्दी में। बख्तियार खिलजी एक टर्किश इन्वेडर था जो कि दिल्ली सल्तनत के पहले बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक का मिलिट्री जनरल था, जो भारत के पूर्वी क्षेत्र जैसे बिहार, बंगाल पर कब्जा जमा चुका था। कहा जाता है कि एक बार बख्तियार खिलजी बीमार हो गया था और उसकी बेटियां उसका इलाज कर रही थी, पर खिलजी ठीक नहीं हो पा रहा था। तो किसी ने उसे सलाह दी कि उसे नालंदा के आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट के हेड आचार्य राहुल श्रीभद्र से ट्रीटमेंट कराना चाहिए। पर उसका मानना था कि उसकी पत्नी और बेटियों के पास उस वैद्यराज से ज़्यादा जानकारी थी। लेकिन खिलजी ने अपनी जान बचाने के लिए वैद्यराज को बुलाया और उनके सामने एक शर्त रखी कि उसे वैद्यराज की कोई भी दवा खाए बिना ठीक होना है। तब भी वैद्यराज ने हाँ कर दिया। और कुछ दिनों बाद वो कुरान लेकर आते हैं और खिलजी से कहते हैं कि इसे पढ़ो और तुम ठीक हो जाओगे। खिलजी वैसा ही करता है और खिलजी ठीक हो जाता है। तब खिलजी हैरान हो जाता है कि ये कैसे संभव है और वैद्यराज से पूछता है कि ये कैसे संभव है। तो वैद्यराज बताते हैं कि उन्होंने कुरान के पन्नों पर दवाइयाँ लगा दी थी जिससे वो ठीक हो गया। ये सुनने के बाद खिलजी हैरान हो जाता है और समझ जाता है कि भारतीय वैद्य उनकी बेटियां और हकीमों से ज़्यादा बुद्धिमान हैं और फैसला लेता है कि आयुर्वेद और बुद्धिज्म को जड़ से मिटा देगा। और उसने आचार्य को मृत्यु दंड दे दिया और नालंदा यूनिवर्सिटी को आग लगा दिया। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देना ताकि वो भी जान सके कि हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी कैसे जली और क्यों। तो चलिए मिलते हैं अगली एक धमाकेदार वीडियो में। तो टाटा, बाय बाय एंड बी सब्सक्राइब टू माय चैनल।